ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। एक प्रश्न उत्तरी आपका, एक माता रानी का एक प्रश्न था कि विवाह का, जिंदगी का समस्या और धनु राशि, और जब उनका पति का कुंभ राशि और जिसमें शनि साढ़े साती के दौरान मतांतर और मत पार्थक्य, झगड़ा झंझट झमेला, कोर्ट कचरी, कोर्ट और केस डिवोर्स तक चला गया। माताजी, आप जब ये मेरे को उस समय बोले थे जो भी, और मैं आपको पहला बात बोला था कि देखो, आप ये उस समय बोले थे कि आपका पति का शादी के लिए व्यवस्था हो रहा है, शादी हो जाएगा तो कैसा होगा, और मैं उसमें प्रेडिक्शन दिया था कि शादी नहीं होगा इस समय, और अगर हो भी जाए तो अच्छे अच्छे कुंभ वालों का शादी स्टार्टिंग फेज में टूटा, सेकंड शादी अब तक नहीं हुआ है। फर्स्ट साढ़े साती का फेज में जिन कुंभ राशि वालों का 4 महीना में शादी टूट गया, 6 महीना में टूट गया, 1 साल में टूटा, 1.5 साल में, 2 साल, अलग अलग ब्रेकअप पैकअप हो गया, और बहुत सारे मान सम्मान समाज में लोक निंदा, और पत्नी के द्वारा पति पीड़ित, कहीं पर पति के द्वारा पत्नी पीड़ित, अलग अलग केसेस में मामले में हुए। और उस समय आप ये बताए थे कि आपका पति को दूसरा शादी करवा देंगे। मैं बोला था देखो, अगर शादी करवा भी दें इस समय तो शनि कुंभ लग्न के राशि के ऊपर बैठ के सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, एक तो हो भी गया तो टूटेगा, और दूसरा इतना आसान नहीं है। और उसके बाद आपका पति विदेश चले गए, और आपके बॉस के बीवी के साथ कुछ तारे नारे बना, फिर उसका बॉस उसको भगाया इंडिया, और इंडिया में अभी आए और फिर से आपके अगेंस्ट में डिवोर्स केस फाइल कर दिए हैं, और आपके उसके लिए विव्रत हो, अच्छा बात है। ये सारे आप जो इतने दिन से मेरे को प्रश्न उत्तर कर रहे हो, मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने पति को बहुत प्रेम करते हो, चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये डिवोर्स नहीं हो और आपका दाम्पत्य जीवन बच जाए। और आज आपका क्वेश्चन था कि डिवोर्स का क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहला बता देता हूं कि अगर कहीं से भी आपके कुंडली में सप्तम के ऊपर या सप्तमाधिपति के ऊपर गुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों का दृष्टि है तो इतना आसान डिवोर्स नहीं होता, एक नंबर पार्ट। दूसरा, पति के कुंड, चलो आपका कुंडली में नहीं है तो पति के कुंडली में भी अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा भी सेबल साइड है तो भी डिवोर्स इतना आसान से नहीं होता। तीसरा बिंदु है कि कोई भी कोर्ट, मैं अभी, मेरे पास भी साढ़े साती वाले वकील लोग हैं, फीमेल वकील भी है, मेल वकील भी है, उनके साथ भी अभी मैं बात किया कि शायद मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं, और मैं उनसे, जो हमारे यहाँ के बदमाश से बदमाश वकील है और भद्र से भद्र वकील है और पगली से पगली वकील है, जो उसमें से एक मेरा स्टूडेंट भी है, गुरुजी बुलाती है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी मेरे पास काले कोट वाले शनिदेव सब हैं, उनसे भी मैं आपका केस के बारे में बात किया, तो जो फीमेल वकील थी बोली इतना आसान नहीं है आप ये कि डिवोर्स हो जाए, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, इसी से तो कमाई चलता है, इतना जल्दी हम केस डिसमिस कर दे तो कमाई कहां से होगा। तो बेचारे, उनका बात मैं बता रहा हूं। और जो क्रूर सिंह वकील साहब थे, वो क्रूर सिंह बोला कि देखो, केस कोर्ट कचरी मामला है, ये जो तुम्हारा, तुम शनि के साथ तुलना करते हो उसके साथ नहीं है, ये राहु के साथ है। नो 100% प्रडिक्शन, कुछ भी हो सकता है, केस किधर जाएगा, कहां से जाएगा, अगर ऐसा स्ट्रांग वकील मिला तो कहीं भी घुमा सकता है, ठीक बात, मना नहीं है। ओके, अगर क्रू सिंह का भी बात मानते हैं
तो हमारे दमदमी माई है यहाँ, ठीक है। तो वो किल है, वो भी दमदमी माई, इतना इतना बाल छोड़ के, बड़ा बड़ा आंख, और ज्यादातर यही केस उसका दिन रात। और मैं हमारे गुरुकुल में कई सारे ऐसे पीड़िता महिलाओं को लाके रखने का और उनका उनका सेटलमेंट कराने का काम करती है। और उसका संबंध मेरे साथ आज से नहीं है, मेरा बड़ा बहन टाइप है, वो भी पंडा है, ठीक है, ब्राह्मणी है, लेकिन है पगली, 71 प्रोडक्ट है वो भी, ठीक है। तो वो बोले इतना आसान नहीं है, केस हमें दे दो। बोला अरे यार तू जा, इतना दूर जाके कहाँ लड़ेगी। तो दिस इज द एक्चुअली सिनेरियोस। मैं अपना जो आपके कुंडली जो देखा हूं और जो आपका दशा अंतरदशा याद है, आपके पति का भी कुंडली देखा हूं, उसके माध्यम से कह रहा हूं, सुनो। 7:30 में हर काम डिले होता है, कितना भी पूजा पाठ जप तप व्रत नियम कर दो, कुंडल कवच धारण कर लो, 7:30 मीन्स डिले, शनि महादशा मीन्स डिले, इतना आसान से नहीं होता कोई भी काम। और जो चीज आप कह रहे हो कि शनि बाबा घर तोड़ देंगे, एटलीस्ट 7:30 में नहीं होता है। मेरे पास ऐसे हजारों केसेस हैं जहां आज लड़की साइड वाले 50 लाख रुपया क्लेम करके बैठे हैं, 50 लाख। लड़का सुपर इनकम करने वाला, यूएसए में बहुत बड़ा काम करने वाला है, वहां से कोर्ट यहां खींच के ले आए, मत बोलो केस बड़ा बढ़िया बढ़िया मेरे पास है एकदम। एक एक जिस दिन स्टोरी बनाने बैठूं तो स्टोरी चैनल ही खोल दूं। आज तक नहीं हो पाया यार, उसका भी धनुराशि नहीं हुआ। और वो केस तो बड़ा पिकुलियर था, किसी दिन बनाएंगे इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया स्टोरी। वो लड़की एकदम पागल बन के मार पीट करके उल्टा केस इसके ऊपर दौड़ा के 7.5 साल 8 साल से केस डिवोर्स नहीं हुआ। आप कहते हो कि वो डिवोर्स फाइल कर देगा और शनि बाबा आएंगे, कंप्यूटर में एंटर बटन दबाएंगे, 7:30 में डिवोर्स हो गया, आप बच गए। इतना आसान खेल नहीं है। और एक धनुराशि का एक सेकंड केस जो ब्रह्मपुर का है, जो सबसे पिकुलियर केस था मेरे लाइफ में, जहां का अगर एक्सप्लेनेशन करने लगूं तो वीडियो 2 घंटा हो जाएगा, मत बोलो। वनरेबल कंडीशन मतलब देख, ये वो कंडीशन देखने के बाद नारी जिंदगी के प्रति किसी को घृणा आ जाए। मैं केवल नारी का बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष केस भी ऐसा है। तो ये ग्रहों का खेल है। डिवोर्स क्लेम हो के फाइनल हो गया, ऐसे समझो डिवोर्स भी हो गया, लेकिन हम लोगों का उड़िया में है अरे रोना बुली बुली सही हो गणा। डिवोर्स हो जाने के बाद क्या करने वाले हो, क्या उखाड़ लोगे? आपकी कुंडली में अगर डबल योग है तो ब्रह्मा नहीं रोक सकता, उसके कुंडली में डबल डबल शादी का योग है तो भी ब्रह्मा नहीं रोक सकता। नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा वेरी क्लोज, मेरे पास कराटे सीखता था, कुंभ राशि का है, 4 महीना के बाद शादी टूटा और इसे राउटला का है, आज 7:30 का 3 साल क्रॉस कर रहा है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दिया गया कि बेटा आपका है और लड़की कहीं से भी ढूंढो और शादी कराओ। सब पूजा पाठ जो जो करना चाहिए सब हो गया, ठीक है। लेकिन जिस दिन टूटा था उस दिन मैं प्रेडिक्शन कर दिया था कि देखो ये मोटू उसी मोटी के पीछे ही पड़ेगी। और वो केस ऐसा था कि मेरे को यहां से नागपुर जाना था उनका परिवार का सेटलमेंट करने के लिए, बड़ा कोशिश मतलब साइड में, लड़का बहुत अमीर बहुत पैसा का, मतलब रिहायशी इलाके में रहने वाले, और उसका भी अपना होटल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना। आज तक वो लड़की का शादी हो पाया 3 साल से, ना इस लड़का का हो पाया। और उस दिन जिस दिन ये शुरुआत हुआ, ये नौटंकी, सामान पत्र सब ट्रक में ढो ढा के, सोना गहना लेके, एकदम पेपरबाजी करके, टीवी बाजी करके जो नौटंकी किए थे, उसी दिन बोला था कि कहीं जाना है जाओ, लेकिन आके यहीं मरोगे और कहीं नहीं, ठीक है। और आज धीरे धीरे फुसुटुरु चलना शुरू हुआ है। सब बोल इसलिए रहा हूं ना, तो जितना अब तक केसेस देखा हूं, ये समझ लो कि हर चीज डिले। और जितना भी आप कुछ कर लो, डिले होना स्वाभाविक बात है। तो इसमें आपको घबराने का कोई बात नहीं है कि इतना आसान से कोई डिवोर्स क्लेम कर दे और आपका आपके तरफ केस वीक हो, उसके तरफ केस स्ट्रांग हो,
और बीच में शायद आप फोन किए थे कि मेरे को गुस्सा है, काट दें, मार दें, हाण दें, हम कुछ तंत्र मंत्र पूजा पाठ कर दें और कुछ उखाड़ के फेंक दें। सुनो, ये मैं कह रहा हूं आपको कि हैव पेशेंस, और अगर वो इस प्रकार के केस फाइल करके आपको डिवोर्स क्लेम कर दे भी, तो कोर्ट्स एंड ये जितने सारे सिस्टम्स हैं, वकील लोगों के पास इतने दाव पेच हैं कि खींच ही लेते हैं 7 साल 7.5 साल। आपको उस समय भी बोला था, इस समय भी बोल रहा हूं, आप जो जो पाठ पूजा कर रहे हो, आपके पति का शांति के लिए भी आप प्रयास करें। और आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हैं, अभी श्रावण का महीना है, मैं ऑलरेडी डेट भी निकाल दिया हूं, प्लीज उस डेट के अंदर आपके पति का दिमाग ठीक हो उसके लिए भी अभिषेक करें, उनके नाम पे भोलेनाथ के ऊपर पानी डालो, ठीक होता है। यार अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बनाने में डिले इसलिए हुआ क्योंकि गुरुजी से बात हो रहा है। गुरुजी बोले सारे धंधा छोड़ के आ जा मेरे शरण में, अभी जस्ट ये ज्ञान दिए, उस प्रेरणा से ये वीडियो बना रहा हूँ। बोले देखो, जब सारे ग्रह नक्षत्र फेल खा जाते हैं ना, और जब ग्रह नक्षत्र देख देख के आदमी पागल होता है, और जब सारा रास्ता बंद होता है, तो अब एक ही रास्ता रहता है, वो भोलेनाथ का रास्ता। कालों का काल महाकाल, देवों का देव महादेव, जिनके अंडर में सारे ग्रह नक्षत्र चलते हैं। और बेटा भोला भी क्या करे, वो उसका चाबी तो माई के पास है। तो भोले के ना भोलेनाथ के श्री चरण में चलो, ये श्रावण का महीना है, डरो मत। ये सब धमकियां होते हैं और इसके पीछे एक बड़ा साइकोलॉजी रहता है, रहस्य रहता है कि तू झुक, तू मेरे पैर में नाक रगड़। ये पति अहंकार है, ऐसे पत्नियों का भी अहंकार है कि तू झुक, तो हम पन्न्य द्रव्य हैं, तू झुक। एक दूसरे को झुकाने का अहंकार का, ईगो का, ये सारा आंतरिक मानसिकता रहता है। और क्रोध है, अहंकार है, झुकाने का एटीट्यूड है, प्रेम का कमी है। देखो पालने से ना एक कुत्ता पल जाता है, जंगल का शेर को देखो, बहुत सारे मैं देखता हूँ वीडियो, घर में शेर पाल के रखे हैं। प्रेम से सब कोई बसीभूत होते हैं, हर आदमी को प्रेम चाहिए। और प्रेम का शक्ति ऐसा है कि हृदय से अगर किसी के पास भी प्रेम का शक्ति ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, टेलीपैथी से लेके कई प्रकार के साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक, यांत्रिक, मांत्रिक तरीकाएं हैं। और ये आज के डेट में यूट्यूब जगत में सर्वविदित है। और याद रखना, सबसे बड़ा पावरफुल टूल है प्रार्थना। प्रार्थना, बड़े बड़े मैटर प्रार्थना से हल हो जाते हैं। और कलकत्ता में एक सज्जन मेरे को ये बात, मैं कथा कर रहा था, मेरे को बताए थे कि आंख बंद करके जब आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, तो उसके सामने भी प्रार्थना करो, सोचो कि वो सामने है और आप उसे माफ कर दो, और उससे क्षमा प्रार्थना कर दो, और उसे मन ही मन बोलो तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे को बहुत सहायता किए हो, तुमसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, तुमको बहुत धन्यवाद, तुमको बहुत कृतज्ञता, तुम मेरे लिए क्या क्या अच्छा किया था उसके बारे में सोच करो, कि आपने मुझे इतना अच्छा खिलाया पिलाया, आपके कारण मेरा बच्चा हुआ, आपके कारण मेरे माथे पे सिंदूर लगा, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, और इस प्रकार का सद्भावना उसके ऊपर प्रेरणा प्रेरित करो। और आपका जो भी मनोकामना है वो उसके तरफ भेजना है कि आप ये केस कोर्ट कचरे माली मकदमा वापस ले रहे हो, आप बहुत अच्छे हो चुके हो होते होते जा रहे हो, इस प्रकार का भावनाओं को मन में पासित करें, ठीक हो जाएगा। आप मेरा बात विश्वास नहीं करोगे, अलग बात। और इस थेसिस, इस थेरेपी का नाम है सिद्ध विज्ञान, सिद्ध थेरेपी। बहुत से लोगों को मैं इसके ऊपर दीक्षित करवाया हूं, और उसमें कुछ नहीं होता है, बड़ा सहज सरल प्रार्थना रहता है, 21 दिन में साधना होता है, सिद्ध स्वामी सिद्ध शक्ति दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो, मंगल हो, ये बोलूंगा नहीं, मैं यहाँ पर वो टेक्निक नहीं बताऊंगा, वो सिद्ध स्वामियों के माध्यम से बताया जाता है।
और यहाँ पर उसका प्रैक्टिकल हम लोग दीक्षा भी देते हैं सिद्ध स्वामी सिद्ध सिद्ध जिससे मेरा ये हो ये हो, उसको कुछ बोलना पड़ता है खाली। और आप पता लगाओ कि आपके घर के आसपास कोई सिद्ध साधना वाले संस्था हैं या नहीं है, होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा यहाँ के जो सिद्ध साधना संस्था है आप अपना डिटेल एड्रेस भिजवाओगे तो मैं आप तक भेजूं, या फिर आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको तक पहुंच जाए। बड़ा चमत्कार सिद्ध विज्ञान है, और साथ में अगर रेकी संस्था है आपके पास, मैं भी खुद रेकी मास्टर किया, और लेकिन मैं अभी इस हीलिंग को मेरे गुरु के आदेश से बंद किया हूं। कोई भी रेकी सेंटर में जाके रेकी सीखो और अपने पति को रेकी भेजो भेजो। अरे बांझ के बांझ आम गच में हम लोग आम फला देते हैं, जो 30 साल से फल नहीं दिया उसको रेकी दे के आम फलवा देते हैं, रेकी को एग्रीकल्चर में लगाते हैं, सिद्ध विज्ञान सिद्ध कृषि करवाते हैं, सिद्ध फार्मिंग कराते हैं, बड़े बड़े रोग ठीक कर देते हैं यार सिद्ध से। सिद्ध विज्ञान के इलाज मत बोलो, मैं बोलूंगा तो फिर बोलोगे भाषण देने लग गया और ये, लेकिन जीवन में मैं बहुत बड़ा सिद्ध हीलर हूं था, लेकिन प्रयोग बंद किया हूं गुरु आदेश के लिए, योग सिद्ध का उपयोग मत करो बोल के। तो यहां बैठे बैठे वहां काम सेटिंग करना, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका काम बनेगा लेकिन आपका सुधार नहीं होगा। इसलिए गुरुजी के आदेश के अनुसार कि आपको सिद्ध विज्ञान सीखना है, आपको रेकी सीखना, देखो रेकी तो पेमेंट वाला केस है लेकिन सिद्ध विज्ञान फ्री वाला है, इसमें कोई पैसा नहीं लेते, आपका मर्जी, कोई दक्षिणा दे दिया नहीं तो नहीं दिया। और अगर ऑनलाइन कहीं पर होता है तो वो भी पता लगाओ, कोई ऑनलाइन आपको हीलर अगर इनिशिएशन कर दे तो। चैलेंज हाथ उठा के आचार्य संजय पंडित ब्राह्मण श्रावण के महीना में कह रहा है, सिद्ध विज्ञान सिद्ध विज्ञान सिद्ध विज्ञान प्रचंड विज्ञान है, ये हमारे गोरखनाथ संप्रदाय का है ये, और सिद्ध स्वामी और उनका सामान्य तो डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया है, इसलिए मैं आपको उसका डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। तो कोई पैसा पत्र नहीं लेते हैं, और उसमें सिद्ध स्टिक भी आता है, देखो ये वाला है सिद्ध स्टिक, ठीक है, तो इसके माध्यम से इसका बड़ा भी भेजाते हैं, वो मेरा अंदर वाला साधना कक्ष में है, और इतना पावर इसका कि क्या बताएं। और यहाँ पर लिखा भी होगा, आप देख लो सिद्ध स्टिक करके यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख लो, थोड़ा सा लाइट में मैं आल ले रहा हूँ। सिद्ध का इराडिकेटर है, सिद्ध हीलिंग के लिए पावर देना है, कोई पगला उगला को भी ठीक कर सकते हो, दूर का कोई बीमारी को भी ठीक कर सकते हो, अच्छे अच्छे दिन का दिमाग बिगड़ा हुआ है उसको भी ठीक कर सकते हो, नेगेटिव में यूज करोगे तो खुद मरोगे, मतलब किसी को गलत करने के लिए नो नेगेटिव यूटिलाइजेशन, पॉजिटिव प्रेयर पावर है ये, हाथ जोड़ के विनती है कोशिश करो आपके तरफ मिल जाए, तो नहीं मिले तो मेरे से बात करना, मैं करवा दूंगा। बेफिकर रहो, ये कोई ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र बलि उली देना, दिस इज अ कंप्लीट सिद्ध हीलिंग, ये आयुष डिपार्टमेंट में है, सिद्ध थेरापी नेचुरोपैथी आयुर्वेदा जो कल दिल्ली में है ना आयुष विभाग, तो वहां भी उसको मान्यता प्राप्त है, अभी क्या स्टेटस है नहीं पता, लेकिन यूनानी नेचुरोपैथी आयुर्वेदा एंड ऑल दिस एक सेपरेट विंग्स, एक क्या बोलते हैं सेक्रेटरी, सेपरेट सेक्रेटरिएट है उसके लिए, वहां एक सेपरेट ऑफिस है दिल्ली में आयुष विभाग करके, जहां इसके ऊपर तो सिद्ध थेरापी सिद्ध हीलिंग थेरापी इज द ग्रेट पावर थेरापी, और कुछ बाबा लोग भी इसके ऊपर उपयोग करते हैं। तो आप अगर ये ऑल्टरनेटिव्स मैं बता रहा हूं, और सिद्ध नहीं भी है तो आपके मेडिटेशन एंड प्रेयर में वो टेलीपैथिक एनर्जी इतना पावरफुल है कि अच्छी अच्छी का दिमाग ठीक कर सकता है, सरल और बिना पैसा का रास्ता बताया। और अगर ऐसे बदमाशी पति कर रहा है तो भाई सिद्धा पंडित जी को पकड़ो, उसका फोटो नाम पता दो, भोलेनाथ के सामने प्रार्थना रख के अखंड दीप जलाओ और बोलो कि प्रभु उसका दिमाग ठीक कर, वो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम अपना परिवार बचाना चाहते हैं, हमारा दाम्पत्य बचाना चाहते हैं, वो नौटंकी कर रहा है,
उसका दिमाग ठीक कर दे प्रभु। हम किसी का बुरा नहीं प्रार्थना करते हैं, किसी का खराब हो जाए प्रार्थना नहीं करते हैं, मेरा जीवन बचा दो। देखो कुंडली में हजार समस्या हो जाए, कोटि कोटि समस्या हो जाए, सप्तमाधिपति, अष्टम सप्तमाधिपति, छठा एकदम नाड़ी दोष वगैरह जो कुछ भी हो जाए, आकर्षण नहीं हो, सारे धंधा एक तरफ, सारे धंधा छोड़ के मैं तेरे शरण में आया हूँ प्रभु तू बचा ले। दिस इज द मेन क्रीम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब सारे ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी मंत्र तंत्र ये सब फेल खाते हैं ना, भोलेनाथ के शरण है, शरण है, शरण है। और सिद्ध विज्ञान भी इसी से आया है, भोलेनाथ की परंपरा से ही आया है। और इसमें किसी कहीं और दिखाव क्या नहीं लेते हैं, जो आपके इष्ट देवी है उसी से ही, जो आपका इष्ट देवता है उसी से ही शक्ति लाके वहां पर दिया जाता है। इसके ऊपर किसी और दिन लंबा वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपका कुंडली हो चाहे आपका पति का कुंडली हो, साढ़े साथी है, आसानी से कोई काम इतना जल्दी नहीं होता है। अच्छा भी होगा तो धीरे धीरे होगा, बुरा भी होगा तो धीरे धीरे होगा, और डिवोर्स हो भी जाए तो देखना उसके बाद फिर से तारे नारे होके मिलते हैं। मेरे पास कितना एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। हैव पेशेंस, हड़बड़ाओ मत, गड़बड़ाओ मत, ताकत रखो। और अभी तक आप जो जो भी मन में शंका रखे हो वो सब हुआ है क्या? बोले शादी करा देंगे, लड़की ढूंढ रहे हैं, हुआ क्या? नहीं हुआ। और भी जो जो बोले हो, हुआ क्या? नहीं हुआ। साढ़े साथी है, कष्ट मिलता है, मानता हूं आपका साढ़े साथी उतर गया है, उसका नहीं उतरा है, उसके लिए प्रार्थना करो कि आपका पति का दिमाग सुधरे, मन ठीक हो, हृदय में प्रेम बने, आपके प्रति उसका भक्ति भाव आए। करके देखो, अगर चमत्कार नहीं मिलता है मुझे बोलना, यू ट्राई। अगर नहीं हुआ फाइनल मुझे बोलना, फिर मैं जो करना चाहिए मैं करूंगा। और फिर से कह रहा हूं, देखो आप, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि बात करने से फिर पैसा भेजते हो, भाई हम तो ऐसे ही इन पैसों से डरते हैं, फिर प्लीज पैसा वैसा भेजने का कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए बात नहीं कर रहा हूं कि आप बात करने से पैसा भेज देते हो, एक बार कुंडली देखा काफी है। और ये वीडियो भी लास्ट टाइम फिर वीडियो बना के दिया था, फिर पैसा भेज दिए। आपका जब जीवन अच्छा बन जाएगा तब दक्षिणा में कुछ दे देना, दे देना, नहीं देना कोई बात नहीं है, ठीक है। ईमानदारी से पूरे वीडियो के साथ कह रहा हूं, और आपका जीवन का खुशी और अच्छा प्रार्थना है। और मैं, मेरे पास जो भी केसेस आते हैं मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ, जरूर करता हूँ। कोई बच्चा बेटा चाहिए, गुरुजी आप दया कर लो, ठीक है प्रार्थना करूंगा। बाकी देखो, तुम तीन तीन भ्रूण हत्या का पाप माथे में रह के घूम रहे हो, मुझे नहीं पता मैं कितना काट पाऊंगा उस पाप को, वो तो कृष्ण भगवान नहीं काट पाए। लेकिन मेरा प्रार्थना है कि देखो वो घर में उसका बेटा हो, वो ऐसे ही वो उसका पति बिगड़ा, मेरा प्रार्थना है। हर केसेस में, सब केस तो नहीं बोल सकता, मैं डायरी में नाम गोत्र लिख के जरूर करता हूँ। और सभी जितने सब्सक्राइबर्स हैं सबके नाम पे, हम जो माता रानी को पूजा करते हैं ना वहाँ पुणा पानी देते हैं, एक बूंदा आपके नाम पे गिरा मतलब आपका सुरक्षा होगा, गारंटी। आप तो कितना फीस, बनिया नहीं हूँ यार, बिजनेसमैन नहीं हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, भगवान का दिया बहुत है। इसलिए ये जैसे आज सुबह पूछी कि कितना देना पड़ेगा, अरे महाराज पूजा के लिए क्या दोगे, ये फीस क्या है, नहीं है यार, आपका जो श्रद्धा भक्ति है नाम गोत्र भेज दो, नहीं भी दो तो भी आपका कल्याण मेरा प्रयास है, प्रार्थना है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। डोंट वरी, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।